देखिए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा दिन है। भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह बैठक के अंदर मौजूद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा इसके अंदर शामिल है, राजस्थान के डिप्टी सीएम भी है। और अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, देखिए दूसरा दिन है इस बैठक का, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी को बदलती है। तमाम जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है वो यहां पर पहुंची है, विस्तार से जानकारी जरा दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, आज दूसरा दिन इन दो ये बैठक का है, इसमें मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, भाजपा के जो सारे मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और कल की जो बैठक हुई उसमें मैं बता दूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन दिया गया अपने अपने प्रदेश के लिए, मुख्यमंत्रियों ने जो की स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की उनको लेकर प्रेजेंटेशन दिया, कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ है। और आज भी जो कल छूट गया था उसका आज प्रेजेंटेशन है। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होगा, 11 बजे मन की बात सुनने के बाद ये बैठक शुरू की गई थी और उसके बाद से लगातार बैठक जारी है। कल भी 3 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली थी। बैठक का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे केंद्र की स्कीम्स को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे आम लोगों को ये एहसास किया जाए कि गुड गवर्नेंस है, इसको लेकर पूरी चर्चा है। जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने प्रदेशों की जो प्रगति है उसको प्रधानमंत्री और केंद्रीय संगठन के सामने रख रहे हैं कि उन्होंने अब तक क्या क्या, कौन सी योजना में हम कहाँ तक पहुँचे, कितने टारगेट अचीव किए, अभी क्या टारगेट है और उसके लिए क्या प्लानिंग है, उसको लेकर पूरी बातचीत हो रही है। संभावना ये भी है कि आज की बैठक खत्म होने से पहले कुछ राज्यों पर पॉलिटिकल बातचीत भी हो। साफ तौर पर ये भी निर्देश दिए गए थे कि जो पार्टी के मंच पर बात कही जाए वो बाहर बयानबाजी नहीं हो, कोई ऐसी बात है तो पार्टी के मंच पर ही कही जाए, ये निर्देश भी दिए गए थे। आज ये संभावना है कि राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को एक साथ मिलकर काम करने, प्रदेश को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे और साथ में पॉलिटिकली कोई भी क्रैश अगर किसी राज्य में होता है तो उसको केंद्रीय संगठन संभालेगा। तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बड़ी बैठक है, मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ी बैठक है कि उनका केंद्रीय संगठन और प्रधानमंत्री निर्देशित कर रहा है, और साथ में उन आम लोगों के लिए जिनके लिए योजनाएं चलाई गई उनके लिए भी महत्वपूर्ण बैठक है कि जिन तक लाभ नहीं पहुंचा कि स्कीम्स का, उन तक लाभ पहुंचाने के टारगेट भाजपा की ओर से दिए जा रहे हैं ताकि जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई उन योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। बिल्कुल अश्विनी, आपसे जानकारी ये लेना चाहेंगे कि बैठक कब तक चलेगी, कितने वक्त की और बची है। इसके अलावा आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रही हैं, पॉलिटिकली भी जानकारी दे रही हैं, निर्देश भी यहां पर दिए जा रहे हैं। राजस्थान के लिहाज से कितने ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सूबे के मुखिया पहुंच रही है, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी दिल्ली के अंदर है। देखिए निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण बैठक है, दोनों उप मुख्यमंत्री इस बैठक में कल भी मौजूद थे, आज भी बैठक में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा इसमें मौजूद हैं। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो गुड गवर्नेंस पे काम हुआ है उसको बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकली लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ और उस नुकसान को लेकर पहले केंद्र संगठन राजस्थान के संगठन से बातचीत कर चुका है, अब नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, एक और पॉलिटिकल मीटिंग उन सब पॉलिटिकल मुद्दों के लिए होगी। लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को साफ तौर पर निर्देश है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनके टारगेट्स पूरे किए जाएँ और जो लोग लाभार्थी होने से रह गए हैं उन्हें लाभार्थी बनाया जाए ताकि आगामी आने वाले चुनाव पर जो उपचुनाव राजस्थान में विधानसभा के होने हैं उस पर भी पूरी तरह से फोकस है। बिल्कुल अश्विनी, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कितनी देर और ये बैठक चलेगी। देखिए अभी कुछ देर बाद इस बैठक में लंच ब्रेक होगा, लंच के बाद फिर एक बैठक फिर शुरू होगी और 3 बजे के करीब बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और मुख्यमंत्री भी निर्देश लेने के बाद यहां से निकल जाएंगे। बिल्कुल, और देख रहे हैं कि हम राजस्थान के अंदर 5 ऐसी सीटें जहां पर उपचुनाव सूबे के मुखिया दिल्ली के अंदर मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, तो ऐसे में इन 5 सीटों पर किस तरह से प्रभाव, क्योंकि निर्देश यहां पर दिए गए हैं, तो इसको अगर समझना चाहें तो क्या कुछ मायने इसके।
देखिए, 5 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है राजस्थान में, और अब राजस्थान में प्रदेश नेतृत्व भी बदल गया है। मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जो राजस्थान के प्रभारी हैं वो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को बनाया गया है। अब राजस्थान में पॉलिटिकल सिनेरियो बदलेगा। प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मिलकर उन 5 सीटों पर काम करेंगे ताकि वो 5 सीट भाजपा के झोले में डाल सकें। इसके लिए पहले निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन एक और पॉलिटिकल मीटिंग, जिसे मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि नए प्रभारी और नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, उनकी एक पॉलिटिकल मीटिंग होगी। हालांकि मदन राठौड़ आपस में मुलाकात कर चुके हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, राधा मोहन अग्रवाल की मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ दोनों से बातचीत हो चुकी है, और दूसरे सीनियर नेता हैं उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में अब एक ही फोकस है कि कैसे 5 विधानसभा सीटों को भाजपा की झोली में लाया जाए। बिल्कुल, एक ही मकसद की इन 5 सीटों को जीतना है। बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा करी अश्विनी, उसके लिए।